सोचते हैं कि मैंने छिपकर के कर्म किया, किसने देखा। लेकिन इसके लिए भी भगवान कहते हैं कि जब कोई भी काम कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तुझे हम ही देखते हैं, और उस कर्म की रिकॉर्डिंग हमारे अंदर संस्कारों में हो जाती है। तो पहले गवाह तो हम बन जाते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को भगवान पढ़ना जानते हैं, इसलिए उसको छिपाया नहीं जा सकता। और दूसरे गवाह परमात्मा है, तो दोषी तो कोई कर्म छिपाया जा ही नहीं सकता। इसलिए किसी ने कहा है, कर्म छिपाया ना छिपे, और छिपे तो मोटो भाग, और दाबी दूजी ना रहे, रुई लपेटी आप। किसी ने आपको रुई में लपेट दिया तो आप छिप जाएगी क्या? तो कोई भी कर्म, जैसे कोई व्यक्ति बीज बोता है, तो जब बोता है छिपा के बोता है, अंधेरे में बोता है, अकेले में बोता है, लेकिन जब वो उगेगा तो सबको दिखाई देगा। तो जब हम कर्म करते हैं तब छिपा सकते हैं, लेकिन जब उसका फल निकलेगा तो वो सार्वजनिक हो जाएगा, और जब वो सार्वजनिक हो जाएगा तो समझ में आएगा कि इसका बीज था तभी तो ये उगा, बीज नहीं होता तो उगता क्यों। हमारे प्राचीन साहित्य में लुक्मान हकीम के जीवन की एक घटना आती है। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल में गुलामी की प्रथा थी, और लुक्मान हकीम भी बाल्यकाल से एक गुलाम की तरह से बिका हुआ था। आयु तो छोटी थी, लेकिन उसका जो मालिक था वो बहुत क्रूर था, बहुत अत्याचारी था, बहुत घमंडी था, और लुक्मान हकीम भी उससे बहुत परेशान था। लेकिन उसको दया आती थी कि किसी तरह ये मेरा मालिक सन्मार्ग पे आ जाए। शुभ भावना थी, रहम भाव था, दिल की सच्ची दुआ थी। और कहते हैं जब दिल सच्चा होता है उसका फल निकलता जरूर। तो लुक्मान भी अपने मालिक का बहुत विश्वास पात्र था। एक दिन मालिक ने कहा, लुक्मान गेहूं बोने का समय आ गया है, तुम नौकरों को लेके जाओ और खेत में गेहूं को करके आ जाओ। तो लुक्मान गया, खेत बोकर के वापस आ गया। मालिक ने नौकरों से पूछा, तुम लोग गेहूं बोआए क्या? नौकरों ने कहा, नहीं जी, हमने तो गेहूं नहीं जो बोए। तो मालिक पूछता है, मैंने तो गेहूं बोने के लिए बोला था। तो नौकर कहते हैं, जी हमको लुक्मान ने जो बोला हमने बो दी, हमको तो उसकी आज्ञा माननी थी। तो मालिक ने लुक्मान से पूछा, मैंने गेहूं बोने के लिए बोला था, अब जो क्यों हो गया है? बोला, मालिक जब फसल निकलेगी ना तब आपको गेहूं ही मिलेगी, आप चिंता मत करो। तो मालिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बोए जो, और कहता है गेहूं निकलेंगे। नौकरों को बुलाए, सच सच बताओ। बोला, मालिक आप खेत में जाके देख लो। खेत में गया तो सचमुच जो के पौधे थे, उसे बड़ा गुस्सा आया। फिर लुक्मान को बुलाया, तूने झूठ कैसे बोल दिया? तो लुक्मान भी भोला सा मुंह बना के कहता है, मालिक मैं झूठ नहीं बोलता, अभी तो ये जो के पौधे, पर जब इनको फल लगेगा ना तो गेहूं के दाने ही निकलेगी। तो मालिक का गुस्सा और बढ़ गया। बोला, पता नहीं किसने तेरा माथा खराब कर दिया, आज तक तो कभी ऐसे नहीं करता था, कभी जो बो के उनको गेहूं के दाने निकले हैं क्या? कभी बबूल बो के आम पैदा होते हैं क्या? तो लुक्मान ने फिर दृढ़ता से कहा, देख लेना मालिक ऐसा ही। तो अब तो मालिक का गुस्सा आसमान पे था, उसने उसको दो
थप्पड़ लगाए, बोला तेरा दिमाग ठिकाने नहीं, तू सोच समझ के बोल रहा है। तब उसने कहा, मालिक आप प्रतिदिन अत्याचार करते हो, झूठ बोलते हो, शोषण करते हो, हिंसा करते हो और फिर कहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। अगर इतने पाप कर्म करके आप स्वर्ग में जा सकते हो तो क्या मेरे बोए जोर से गेहूं के दाने नहीं कर सकते? और जैसे ही लुकमान ने ये बात कही तो मालिक के एकदम दिल में जाके तीर की तरह आ गया। उसने मन में सोचा, बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे कर्म कैसे हैं और मैं सोचता क्या हूं। और उसके बाद मालिक के जीवन में काफी परिवर्तन आया। तो लुकमान ने जो शुभावना रखी, शुभकामना रखी, काम तो बहुत बड़ा था। मालिक तो नौकर को बदल सकता है, लेकिन एक नौकर मालिक को बदले इसके लिए तो बहुत धैर्य की, बहुत दृढ़ता की, बहुत सहनशीलता की जरूरत होती है। और सचमुच लुकमान में वो योग्यता थी। यही कारण है कि आगे चल करके वो बहुत बड़ा हकीम बना, जिसको आज भी हम याद करते हैं। एक हकीम के पास भी वास्तव में शुभ भावना, शुभकामना की दवा सबसे पहले होनी चाहिए।